जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग सीखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये वेल्डिंग मशीन है और ये बजाज कंपनी का है, देख लीजिए 1968, सारा इसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए आगे से भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यह देख लीजिए 211 वाट का है और यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है और यहाँ रेगुलेटर है एम्पियर कम ज़्यादा करने के लिए, एम्पियर दिया गया है। तो ये वेल्डिंग मशीन है और पीछे से भी देख लीजिए इसका ऑन ऑफ स्विच वगैरह सब दिया हुआ है, फैन बटन वगैरह सब दिया हुआ है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ दो होल्डर लगा हुआ है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ इसका डिस्प्ले है, जैसे इसमें लाइट देते हैं तो डिस्प्ले नहीं जलता है। तो चलिए अब इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या खराबी है। तो दोस्तों आप लोग भी इसमें वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग के पास भी इस तरह का कोई भी वेल्डिंग मशीन आए, अगर आप नया हैं तो आप खोल करके वर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाक से पहले खोलते हैं। खोलने के लिए यहाँ बोल्ट देख रहे हैं, यहाँ बोल्ट देख रहे हैं और ये सारा है, खोलना बिल्कुल ईजी है इसको। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या फॉल्ट है, फिर जा करके इसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हर एक रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए इसको अब खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेज खोलने के बाद यह इस तरह से अलग हो जाएगा इसका पार्ट और इधर से अलग हो जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड करते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए अब ये दोनों को हम इधर इस साइड रख दिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसका पैनल है। अब ये सारे बोल्ट को खोलते हैं और फिर देखते हैं। तो खोलने के लिए मेरे पास ये मशीन है, हम इन्हीं से खोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने खोल चुके हैं, अब इसका ये वाला भाग को हमको खोलना है और फिर जा करके यहाँ से प्लेट को डायरेक्ट निकालना है और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और इधर से भी आप देख लीजिए, ये प्लेट का पिछला हिस्सा है जहाँ पे आप, तो देखिए दोस्तों इसमें जो तीन कैपेसिटर लगा हुआ है, एक दो तीन, एक कैपेसिटर बुरी तरह से ब्लास्ट है। तो चलिए हम इस किट को अभी वैसे ही रहने देते हैं और इधर से सोल्डिंग आयरन की मदद से पहले हम इसको घींच के बाहर करते हैं और फिर दिखाते हैं कि यह कितना MFD का है। तो वीडियो में बने रहिए, आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि उधर से आयरन सटा के इधर खींच सकते हैं, क्योंकि इधर का भाग खुल गया है। अगर यहाँ से फॉल्ट अगर नहीं मिलेगा तो जाकर के आगे प्रोसेस करेंगे। तो पहले इसको निकालते हैं। कैपेसिटर को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बीच वाला ये हुआ, साइड वाला ये हुआ, तो इधर से हीट करके उधर हम लोग निकालेंगे। हमने ये कैपेसिटर निकाल चुके हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये 450 वोल्ट और 560 μF का है, 450 वोल्ट और 560 μF का एक दूसरा कैपेसिटर ला करके हम इसमें डाल देंगे और यह चलने लगेगा, अदरवाइज इसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो फिलहाल अभी आपने देखे कि इसमें तीन कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जैसे कि हमने एक कैपेसिटर यहां से निकाल चुके हैं, अब इसमें दूसरा नया कैपेसिटर ला करके डाल देंगे 450 वोल्ट और 560 μF का, तो यह वर्क करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ जानकारी समझ में आया होगा। अगर कोई और नेक्स्ट फॉल्ट मिलता है तो फिर मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। जय हिंद।